बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में आज हम आपको पढ़ाएंगे व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। इससे पहले हमने आपको राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण पढ़ाए, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। आज हम आपको बताएंगे कि उससे आगे का जो राजनीतिक जो विकास है वो कैसे है। ये चीज तो आपने जान लिया है कि राजनीति विज्ञान एक प्राचीन विषय है, प्लेटो अरस्तु के समय इसकी शुरुआत हो गई थी। और राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में हमने देखा कि जो 1945 तक का जो दृष्टिकोण है वो परंपरागत है, और 1945 से आज तक का जो दृष्टिकोण है राजनीतिक विकास की जो यात्रा है वो है आधुनिक दृष्टिकोण। अब उसी आधुनिक दृष्टिकोण को यहाँ दो भागों में बांट दिया है। आपको तो ऐसे जाना है कि 1945 से आज तक का जो विषय है या राजनीतिक विकास है उसको हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। इससे पहले जैसे कि हमने बताया था शिकागो स्कूल यानी संप्रदाय था, और इसमें 1925 में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए एक अमेरिका के शिकागो नगर में सम्मेलन हुआ राजनीति शास्त्रियों का, जिसमें तीन व्यक्तियों का विशेष योगदान था जिनको शिकागो स्कूल की त्रिमूर्ति भी कहते हैं। उसमें है लासवेल, चार्ल्स मेरियम और टीवी स्मिथ। तीन व्यक्ति टीवी स्मिथ, लासवेल, मेरियम, ध्यान रखें हमेशा। ये शिकागो स्कूल के संप्रदाय से जुड़े विद्वानों के नाम हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने का प्रयास किया, परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिकता की ओर ले गए। आगे इसमें हम देखते हैं कि चार्ल्स मेरियम का भी नाम आता है, एक नाम आता है चार्ल्स मेरियम। तो इसकी एक जो किताब है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाया गया, वैज्ञानिक बनाया गया, यथार्थवादी बनाया गया। तो ये जो त्रिमूर्ति हम देख रहे हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी बनाया, हाँ व्यवहारवादी बनाने के लिए इन्होंने क्या है कि नए नए दृष्टिकोण दिए, नई अध्ययन पद्धतियां दी, राजनीति विज्ञान की नई परिभाषा गढ़ी। तो इस तरीका से परिवर्तन हुआ, ये चीज हमने देख ली है पहले वीडियो में। और यदि किन्हीं छात्रों ने नहीं देखी है तो पहले उनको भी देखें। हाँ, तो ये क्या है कि व्यवहारवाद को जान रहे हैं कि व्यवहारवाद क्या है। 1945 से आज तक का जो दृष्टिकोण है वो आधुनिक है। अब उसी आधुनिक दृष्टिकोण को यहाँ दो भागों में बांट दिया गया है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का जो समय है दूसरे विश्व युद्ध से लेकर के, यानी 1945 से लेकर के 1970 तक का जो समय है उसे हम कहते हैं व्यवहारवाद। और 1970 से लेकर आज तक का जो दृष्टिकोण है उसे कहते हैं उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म है, उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म है। बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के दो विभाजन हो गए, दो रूप हो गए, ठीक है। तो आधुनिक जो दृष्टिकोण है आपको तो ये जाने कि आधुनिक दृष्टिकोण को फिर दो भागों में बांट दिया कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। जैसे राजनीति विज्ञान की जो पूरी विकास यात्रा है उसको दो भागों में बांट दिया है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, और आधुनिक दृष्टिकोण को फिर दो भागों में बांट दिया है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी बनाने के लिए जो वाटसन था जिसने व्यवहारवाद शब्द दिया है, उस व्यवहारवाद का जो आधार है वो मानते हैं अनुभववाद को। किसको मानते हैं? अनुभववाद को, कि जो अनुभव है वो सर्वोपरि है। अब इस अनुभववाद में आता है लॉक का नाम। किसका नाम? लॉक का नाम। ये लॉक है, पूरा नाम है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक जो हुआ है अनुभववादी विचारक रहा है, इसने राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए क्या है अनुभव को आधार बताया है। तो यहां हमने जान लिया कि व्यवहारवाद, व्यवहारवाद का आधार अनुभववाद है, और अनुभववाद का प्रणेता है जॉन लॉक है, और अनुभव व्यवहारवाद जो शब्द दिया है वो किसने दिया है? वाटसन ने दिया है। ये चीज जान लिया।
अब हम जानते हैं कि इस व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या थे, क्यों राजनीति विज्ञान परंपरागत से आधुनिक बना, तो इसके कारण भी रहे। कारणों में पहला कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध जब चला 1939 से लेकर के 1945 तक, उस द्वितीय विश्व युद्ध में हमने देखा कि राजनीति विज्ञान के जो देहता लोग थे उनका ध्यान एक तरीका से इस बात को लेकर के गया कि हमारी जो विश्वव्यापी समस्या है वो कैसे दूर हो सकती है, उनका हम कैसे वैज्ञानिक निदान निकाल सकते हैं, उनका हम कैसे हल कर सकते हैं। तो 1945 में जब युद्ध खत्म हो गया तो इस युद्ध में आपको पता है विनाश हुआ, हानि हुई, जनधन की हानि हुई, बहुत सारे देशों का इसमें क्या है कि विनाश भी हो गया एक तरीका से। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए कि राजनीति विज्ञान को हमें विज्ञान सम्मत बनाना है, तो दूसरे विश्व युद्ध का प्रभाव भी पड़ा, मानव जाति की अपार जो क्षति हुई उसके कारण मानव के दिमाग में ये विचार आया कि राजनीति विज्ञान को हम अनुभववादी बनाएं, सिद्धांतवादी नहीं रहने दें, अनुभववादी बनाएं, व्यवहारवादी बनाएं। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव इसमें उदय के कारणों में सामने आया। दूसरा है अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य समाज विज्ञान के जो थे, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, ये क्या है और भी समाज विज्ञान के और नाम है। तो ये जो क्या है कि इनके जो देहता लोग थे, विद्वान लोग थे, वो तो राजनीतिक समस्या में, विश्वव्यापी समस्या में हाथ बटा रहे थे, ध्यान दे रहे थे, लेकिन राजनीति विज्ञान के जो देहता लोग थे, विद्वान लोग थे, इनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं था। तो इसी चीज को देखते हुए क्या हुआ कि राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने भी ये सोचा कि हमें भी समाज की समस्याओं में रत हो जाना चाहिए, समाज को उन समस्याओं से दूर करना है जो जिन समस्याओं से हमारा समाज दूषित हो रहा है, चाहे वो पर्यावरण की समस्या है, चाहे वो आतंक की समस्या है, चाहे वो जलवायु की है, कैसी भी समस्या है उसको दूर करना राजनीति विज्ञान के नेताओं ने आवश्यक समझा। तो ये समाज अन्य समाज विज्ञानों से भी इसने प्रेरणा ली और राजनीति विज्ञान अंत्य अनुशासनात्मक बनता चला गया। ये बात हमने पहले वीडियो में भी जानी थी। तो अंत्य अनुशासनात्मक बन गया यानी अन्य समाज विज्ञानों से इसको प्रेरणा मिली और ये इसको उदय का एक कारण बन गया। और भी कारण है कि जैसे इसकी नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग होने लग गया था। तो परंपरागत अध्ययन पद्धति थी वो अस्पष्ट थी, उनको दूर किया गया और नई अध्ययन पद्धतियों को इसमें लाया गया। तो नई अध्ययन पद्धतियां जो अनुभववाद थी, मनोवैज्ञानिक थी, दार्शनिकता से बिल्कुल परे थी, आगरणात्मक विधि से जुड़ी हुई थी, तो उन व्यवहारवादी पद्धतियों को इसमें शामिल किया गया और उनका योगदान भी व्यवहारवाद के उदय में देखने को मिलता है। और यह है कि परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति लोगों में असंतोष की भावना थी। परंपरागत दृष्टिकोण क्योंकि यूरोप तक सीमित था, यूनान की राजनीति का वर्णन करता था, विकसित देशों तक ही सीमित था और अल्विकसित और विकासशील देशों की शासन व्यवस्था को उसमें कोई उल्लेख नहीं था। तो ये परंपरागत अध्ययन से व्यक्ति संतुष्ट नहीं थे, परंपरागत दृष्टिकोण का जो क्षेत्र था वो सीमित था। तो नई अध्ययन पद्धति आ गई, इसमें नवीन शब्दावली आ गई, सांख्यिकी है, तकनीक है, मॉडल है, गणितीय परिमाप है, नवीन खोज है, शोध है, सर्वेक्षण है, अनुमान पद्धति है। तो इस तरीका से नवीन अध्ययन पद्धति आती चली गई, अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा इसको मिलती चली गई, दूसरे विश्व युद्ध का भी इसमें प्रभाव पड़ा और ये सब इसके उदय के कारण बने। तो यहाँ आज हमने क्या जाना है कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण जो 1945 से मानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इसको मानते हैं, ये आधुनिक दृष्टिकोण दो भागों में बट गया, दो रूपों में जानते हैं। और इसका जो प्रणेता है व्यवहारवाद का, प्रणेता जिसको हम मान रहे हैं वो है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने इन सब से प्रेरणा ली, लॉक से, लासवेल से, मेरियम से, स्मिथ से, इन सब से प्रेरणा लेकर के राजनीति विज्ञान में एक नया दृष्टिकोण दिया और उसे हम क्या मान रहे हैं, उसे हम व्यवहारवाद मान रहे हैं। अब इस व्यवहारवाद की कुछ परिभाषाएं जो डेविड ईस्टन ने दी या रॉबर्ट डहल ने दी हैं, जो अर्थ दिए हैं, उसकी जो व्याख्या की है उस व्याख्या को
हम इस शब्दों में जान सकते हैं, विस्तार से इसको जान सकते हैं कि परंपरावाद से असंतुष्ट है। व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद परंपरावाद से असंतुष्ट है। परंपरावादी जो रूढ़ी है, मान्यता है, दृष्टिकोण है, नैतिकता है, सदाचार है, इन सब से ये परे है। ये तो व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, क्रमबद्ध है, ठीक है। तो परंपरावाद से असंतुष्ट की भावना व्यवहारवाद में देखने को मिलती है। दूसरी है इसमें नवीन उपागम है, नए उपागम है, जैसे वैज्ञानिक है, सर्वेक्षण है, गणित मॉडल है, तार्किक पद्धति है। तो ये अभी जैसे बताए, आगे इसके अर्थ में और भी है कि इसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों के निकट लाना है और समाज के लिए उपयोगी बनाना है। तो मानव के लिए उपयोगी बनाना भी इसका एक अर्थ स्पष्ट कर रहा है। इसकी एक अर्थ में हम बात करें तो वो ये है कि व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण वो वैज्ञानिकता लिए हुए है, विज्ञान की इसमें भूमिका है, क्रमबद्धता है, ये भी इसमें है। तो यहाँ अन्य विज्ञानों से प्रेरणा है, तो ये वैज्ञानिकता है, अन्य विज्ञानों से पास लाना है, निकट लाना है, नवीन उपागम है, परंपरागत दृष्टिकोण से असंतुष्ट है। तो ये सब कुछ से क्या बता रहे हैं कि व्यवहारवाद एक नवीन दृष्टिकोण है, एक आंदोलन है, परंपरागत दृष्टिकोण के विरुद्ध चलाए गए एक आंदोलन है। परंपरागत दृष्टिकोण से लोग जो लोग संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान सम्मत बनाने के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसे हम व्यवहारवादी आंदोलन या व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। और ये व्यवहारवादी क्रांति 1945 से शुरू होती है। तो व्यवहारवाद क्या है, एक बार और सुने। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध चलाए गए एक असंतोष भरा आंदोलन है। जो लोग परंपरागत दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं थे, उन्हीं लोगों ने एक नया आंदोलन चला दिया, विकास के लिए एक नया आंदोलन चला दिया, नई खोज, अध्ययन पद्धतियां, अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र सब कुछ बदल दिया और उसी को नाम दे दिया राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति या व्यवहारवादी आंदोलन। आगे इस व्यवहारवाद के हमने उदय के कारण जान लिए, इसके कुछ अर्थ परिभाषाएं जानी। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि व्यवहारवाद की कौन कौन सी मान्यताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और कुछ इसमें फिर आलोचनाएं आएंगी कि व्यवहारवाद की भी आलोचनाएं होती हैं। ठीक है छात्र।